प्यारे बच्चों, आज की कहानी का उन्वान है शहजादी की जिद। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत जिद्दी थी। वो चाहती थी कि जो बात भी मैं मुंह से निकालूं वो फौरन पूरी हो जाए। एक दफा शहजादी सुबह के वक्त सैर के लिए अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाग में गई तो उसने फूलों के ऊपर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। उसने सोचा कि ये कतरे तो मेरे हीरों से भी ज्यादा खूबसूरत और चमकदार हैं। शहजादी सीधी महल वापस आई और बादशाह से कहने लगी कि मैंने शबनम के कतरों से एक ताज बनवाना है। जब तक मुझे ये ताज नहीं मिलेगा ना तो मैं खाना खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। ये कहकर शहजादी ने अपना कमरा बंद कर लिया और चादर ओढ़कर लेट गई। बादशाह जानता था कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनवाया जा सकता, फिर भी उसने शहजादी की जिद को पूरा करने के लिए शहर के तमाम सुनारों को बुलाया और उनसे कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर तुम लोगों ने शबनम के कतरों का ताज नहीं बनाया तो तुम लोगों को सख्त सजा सुनाई जाएगी। बेचारे सुनार हैरान और परेशान थे कि शबनम के कतरों से किस तरह ताज बनाया जाए। उन सुनारों में एक बूढ़ा सुनार भी था जो कि बहुत अकलमंद था। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो अगले दिन सुबह महल में गया और उसने सिपाहियों को बताया कि वो शहजादी का ताज बनाने आया है। सिपाही उसे शहजादी के पास ले गए। बूढ़े सुनार ने शहजादी को झुककर सलाम किया और बोला, मैं आपका ताज बनाने के लिए आया हूं, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। कहो, क्या कहना चाहते हो? शहजादी ने कहा। सुनार बोला, आप मेरे साथ बाग में चलें और मुझे शबनम के कतरे दे दीजिए जिनका आप ताज बनवाना चाहती हैं। जो कतरे आप मुझे पसंद करके देंगी मैं फौरन उनका ताज बनवा दूंगा। शहजादी बूढ़े की बात मान गई और बूढ़े सुनार के साथ बाग में चली गई। फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे जगमगा रहे थे, लेकिन शहजादी ने जिस भी कतरे को छुआ वो उसकी उंगलियों पर पानी बनकर बह गया। तब शहजादी को यकीन हो गया कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बन सकता। शहजादी शर्मिंदगी से मुस्कुराई और बूढ़े सुनार से माफी मांगी और अहद किया कि वो आइंदा ऐसी जिद नहीं करेगी जो कि पूरी करना मुमकिन ना हो। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए और अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।